वह फ्री चैलेंज है एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन इट। वो वाले क्वेश्चन हैं जो लास्ट के कुछ एक सालों में ऑनलाइन असेसमेंट्स में पूछे गए या फिर इंटरव्यूज में पूछे गए। आई विल हेल्प यू गेट रेफरल्स फ्रॉम दोज कंपनीज, मे बी इट इज बिग टेक कंपनीज और इट इज स्टार्टअप, साइंस फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस एंड ऊप से पूछे जाते हैं इन इंटरव्यूज में, उसका एक पैकेज तुम्हें मिलेगा। बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ सर, तो मेरे लिए वो चैलेंज 30 डेज का नहीं, 24 डेज 6 कंपनीज का चैलेंज हो गया था। इसने काफी ज्यादा हेल्प किया, मतलब मैं जो चेंज अपने अंदर क्लियरली फील कर सकता हूँ। बिगिनिंग में मतलब एक क्वेश्चन लगा लेता था और लगता था चलो एक दिन का एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया, अब मतलब क्वेश्चन 5 हो जाएंगे तो भी लगता कम हो गया और करता हूँ। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी दिस चैलेंज। उसमें भी क्या था, डीपी का क्वेश्चन दिख रहा है, ओफ यार ये तो नहीं आता है, तो इस चक्कर में एटलीस्ट मेरा डीपी कम्प्लीट हुआ। तो यार ये कुछ वीडियोस थी उन बच्चों की जिन्होंने लास्ट ईयर 6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज किया था। एंड दिस ईयर आल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन अ सिमिलर नोट कि अगर एक बार मैंने किसी बात का ढिंढोरा पीट दिया तो दुनिया मुझे चैन से जीने नहीं देगी। ये लास्ट ईयर के कुछ वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कमिटमेंट की थी कि दे विल सॉल्व अराउंड 90 क्वेश्चंस इन 30 डेज एंड दे वर एबल टू सॉल्व इट लास्ट ईयर। एंड उसके बाद इनका ग्राफ रुका नहीं एंड दे वेंट ऑन डूइंग अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस। एंड एज वी ऑल नो 2023 फॉर टेक वाज नॉट सो गुड, बहुत ज्यादा ले ऑफ्स हुए, रिसेशन आया एंड बहुत सारी कंपनीज हायर भी नहीं कर रही है एंड प्लेसमेंट का सीजन भी बहुत ज्यादा डाउन है। दिस कैन बी द ईयर जहां पे तुम्हारा करियर स्टार्ट हो सकता है एंड यू कैन गेट योर फर्स्ट जॉब। नाउ व्हाट इज 6 कंपनी 30 डेज चैलेंज एंड हाउ कैन यू पार्टिसिपेट, इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस किए हैं। फ्री चैलेंज एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन इट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वी विल बी कवरिंग 6 कंपनीज, हर कंपनी के क्लोज टू 15 क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क हैं। जनरली हम क्या करते थे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाते थे जब हम बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं या फिर हम कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफी ज्यादा हिंट लग जाता है कि यार किस टाइप का एग्जाम होने वाला है एंड किस टाइप की हमारी प्रिपरेशन होने वाली है, जिसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। सेम इज द केस हियर, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो लास्ट के कुछ एक सालों में ऑनलाइन असेसमेंट्स में पूछे गए या फिर इंटरव्यूज में पूछे गए। आई हैव बीन कनेक्टेड टू द कम्युनिटी सो मच, तो मुझे इनके बारे में पता चलता रहता है कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही हैं, कौन सी कंपनीज एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर देम बेटर। तो ये हर कंपनी के वो शॉर्टलिस्टेड 15 क्वेश्चंस हैं, 6 कंपनीज विल बी डूइंग इट, तो 15 × 6 क्लोज टू 90 क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड ये 90 क्वेश्चंस वी विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड ये सब करने के काफी सारे रिवॉर्ड्स हैं, बी इट रेफरल्स, बी इट गिफ्ट्स, बी इट मेंटरशिप सेशंस, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमें पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम चीजें कर लेंगे बट वो चीजें कभी हो ही नहीं पाती। लेट्स से तुम सोचते हो कि यार हर दिन 5 क्वेश्चंस करूंगा, 13 × 5 क्लोज टू 150 क्वेश्चंस तो एक मंथ में ही हो जाएंगे एंड ऐसे 3 महीने तक करूंगा तो आई विल बिकम अ डीएसए प्रो, बट ऐसा कुछ नहीं होता। यू स्टार्ट विद इट, एक दो दिन करते हो फिर तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है एंड यू स्टॉप डूइंग इट। जहां पे तुम्हें डिफिकल्टी लेवल दिखता है वहां पे तुम स्टॉप हो जाते हो, तो तुम्हें कोई ऐसा कांस्टेंट फोर्स चाहिए, कोई ऐसा कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए जिसके कारण तुम ये कर लो। एंड लास्ट ईयर के स्टैट्स बताऊं तो इट हैज बीन डन बाय मोर देन 5000 स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस 350 कॉलेजेस इन इंडिया। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, सबसे पहले यार यू विल बी एबल टू सॉल्व 90 to 100 प्रॉब्लम्स, वो वाली इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क प्रॉब्लम्स जिनके कारण तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा एंड यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। सेकंड चीज इज यार कि रेफरल्स, आई विल हेल्प यू गेट रेफरल्स फ्रॉम दोज कंपनीज, मे बी इट इज बिग टेक कंपनीज और इट इज स्टार्टअप, जो हायर कर रहे हैं या हायर करेंगे इन द कमिंग ईयर फॉर यू इफ यू हैव डन दिस चैलेंज पर्टिकुलरली, क्योंकि मुझे पता है कि यार यू आर अ वर्दी कैंडिडेट, तुमने मेहनत करी है, यू हैव डन स्टफ एंड तुम्हारा रेफरल कन्वर्ट भी हो जाएगा, तो आई विल बी हेल्पिंग यू थ्रू रेफरल्स थ्रू माय नेटवर्क। लास्ट ईयर के स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो स्क्रीन पे, वेयर पीपल हैव डन दिस चैलेंज एंड दे हैव गॉटन अ जॉब एट कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट एंड लॉट मोर। थर्ड चीज इज यार कि दोज हु विल बी टॉप परफॉर्मर्स, इसमें जो टॉप परफॉर्म कर रहे होंगे उनके घर पे एक प्राइज डिलीवर किया जाएगा। लास्ट ईयर भी काफी सारे प्राइजेस दिए गए थे, बी इट अमेज़न वाउचर्स, बी इट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बी इट बुक्स, बहुत सारी चीजें हैं, तो यू कैन गेट दैट ऑल्सो। एंड फोर्थ थिंग इज यू विल बी गेटिंग अ सीएस फंडामेंटल्स पैकेज फॉर फ्री, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस एंड ऊप से पूछे जाते हैं इन इंटरव्यूज में, इन कंपनीज के इंटरव्यूज में, उसका एक पैकेज तुम्हें मिलेगा अगर तुम ये चैलेंज कंप्लीट करते हो। एंड लास्ट इज वन ऑन वन मेंटरशिप, जो बच्चे टॉप परफॉर्म कर रहे होंगे विद मी, जहां पे हम डिस्कस कर रहे होंगे तुम्हारे आगे आने वाली जर्नी एंड हाउ यू आर एबल टू पेव थ्रू द चैलेंज एंड आगे तुम्हें क्या करना चाहिए टू मास्टर दोस स्ट्रेटजीज टू गेट अ परफेक्ट जॉब। आई थिंक काफी ल्यूक्रेटिव था, दिस कैन बी अ गुड स्टार्ट फॉर एनीवन। इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, लास्ट ईयर हमने एक गूगल डॉक बनाया था जिसमें सारे क्वेश्चंस की शीट दी थी जिनको तुम करके अपने गिटहब रिपोजिटरी पे डालो। नाउ द प्रोसेस इज नॉट क्लटर्ड बट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एक छोटी सी वेबसाइट यार जिस पे हम काम कर रहे थे दैट इज proelevate.in, इस पे जाके तुम एक 6 कंपनी 30 डेज चैलेंज पे जा सकते हो, जहां पे जाके तुम्हें क्वेश्चंस की शीट मिल जाएगी। अभी करंटली उसमें फर्स्ट कंपनी दैट इज गोल्डमैन सैक्स की शीट तुम्हें वहां पे दिख जाएगी, जहां पे 15 क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड बाय गोल्डमैन सैक्स इन द रीसेंट ईयर्स, आई हैव कंपाइल्ड दोस। तो वहां पे तुम्हें जाना है, वहां पे शीट से क्वेश्चंस करने हैं एंड वहां पे एक नोट्स का टैब होगा जहां पे तुम अपने सॉल्यूशंस को भी सेव कर सकते हो एंड एक ऐसा टैब होगा जहां पे तुम अपनी प्रोग्रेस को मार्क कर सकते हो। मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन अनसॉल्व रखा है, तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो ये सब चीजें तुम उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। इट इज कंप्लीटली फ्री टू यूज एंड काफी सारे और रिसोर्सेज भी तुम्हें इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, बी इट लेटेस्ट जॉब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अलॉन्ग विद दैट इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। लास्ट ईयर के जिन बच्चों ने इंटरव्यूज दिए थे उन बच्चों के इंटरव्यूज कैसे थे एंड उनमें क्या कुछ पूछा गया था, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। बहुत ज्यादा यूजफुल वेबसाइट होने वाली है बट करंटली इसमें ये चैलेंज चल रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट। अगर तुम्हें अपने ईज के लिए गिटहब रिपोजिटरी बनानी है तो गिटहब रिपोजिटरी भी बना सकते हो, #revisewithearth, #6companies30dayschallenge, जिसमें तुम अपने सारे कोड्स को रख सकते हो एंड दे कैन एक्ट एज योर नोट्स गोइंग फॉरवर्ड, जहां से तुम आगे जाके पढ़ सकते हो कि यार तुमने ये क्वेश्चन किया था, अब मुझे जस्ट रिवाइज कर।
करना है तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिससे हमने स्टार्ट किया था कि अगर मैंने किसी चीज का ढिंडोरा पीट दिया तो दुनिया मुझे चैन से जीने दे। इफ यू आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर चैलेंज तुम्हें जाके एक पोस्ट करनी है ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जहां पे भी तुम एक्टिव हो, जहां पे भी तुम डालना चाहते हो, सो दैट पीपल कैन कम टू नो कि तुम ये चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो एंड तुम किसी चीज से कमिट हो जाओ। मतलब यू विल बी आंसरेबल कि यार कल को मैंने अगर नहीं किया तो लोग मेरे से आके पूछेंगे कि मैंने क्यों नहीं किया। सो दैट विल मेक यू मोर आंसरेबल कि यार मुझे ये चीज करनी है एंड यू विल बी एबल टू अचीव इट। ये ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है एंड दिस हैज वर्कड इन द पास्ट फॉर सो मेनी पीपल एंड दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू एज वेल। उस पोस्ट में जाकर तुम्हें क्या लिखना है, यू जस्ट नीड टू राइट यू आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर चैलेंज ऑन 1st of January 2024 एंड यू विल बी कवरिंग 90 questions in 30 days, जिससे तुम्हें तो मोटिवेशन मिलेगा बट तुम्हारे बैचमेट्स को भी मोटिवेशन मिलेगा टू डू स्टफ एंड यू कैन ग्रो टुगेदर एंड तुम्हारी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़ेगी एंड कंपनीज विल ऑल्सो कम टू नो कि यू हैव डन स्टफ एंड यू आर एक्टिव ऑन प्लेटफॉर्म्स एंड यू आर गुड इन टेक, राइट। मल्टीपल चीजें, मल्टीपल बेनिफिट्स एक साथ हो रहे हैं, यू कैन लेवरेज दैट। तुम उस पोस्ट के साथ अपनी कोई भी पिक्चर डाल सकते हो, एनी पिक्चर दैट यू हैव टेकन इन 2023 एंड यू कैन यूज द हैशटैग 6companies30days एंड हैशटैग रिवाइज विद अर्श। दीज टू हैशटैग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ट्रैक। तो ये चीज करनी है एंड दैट्स इट। दीज आर द रूल्स। ये सारे रूल्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे भी मिल जाएंगे, वहां पे जाके भी तुम चेक कर सकते हो एंड यू शुड स्टार्ट इट राइट अवे। अभी से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर सकते हो, अभी से ये पोस्ट कर सकते हो। एंड इसके अलावा देयर सेकंड थिंग कि बहुत सारे कॉलेज सोसाइटीज एंड कॉलेज क्लब्स जो कोडिंग कल्चर इंप्रूव करना चाहते हैं अपने कॉलेज में एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए, फॉर देम ऑल्सो देयर समथिंग आई वुड लाइक टू कोलैबोरेट विद सम ऑफ यू। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज के साथ कोलैबोरेट किया था जिनको हमने पर्सनलाइज्ड वीडियो मैसेज भेजा था फॉर दिस पर्टिकुलर चैलेंज एंड बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था फॉर दिस पर्टिकुलर चैलेंज एंड दे वर एबल टू स्ट्रीमलाइन दिस प्रोसेस फॉर देयर एंटायर कॉलेज, फॉर 50 students, फॉर 100 students, फॉर 200 students। अगर तुम्हें कोडिंग क्लब या सोसाइटी के हेड या फिर लीड हो या फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर अपने कॉलेज के एंड यू वांट टू ड्राइव दिस इन योर कॉलेज, मेक श्योर यू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे एक ईमेल आईडी मिलेगी business.arshgoyal@gmail.com, इस पे जाके तुम मेल कर सकते हो विद कॉलेज नेम, कॉलेज सोसाइटी नेम एंड कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं तुम्हारे कॉलेज से एंड आई विल शॉर्टलिस्ट ऑफ यू एंड जिनको एक पर्सनलाइज वीडियो मैसेज भेजा जाएगा विद योर कॉलेज एंड विद योर सोसाइटीज नेम एंड हाउ यू कैन ड्राइव दिस पर्टिकुलर चैलेंज फॉर मोटिवेटिंग योर स्टूडेंट्स। एंड वन लास्ट पर्क, जो भी ये कर रहा होगा उसके लिए एक स्पेशल इंटरव्यू सीरीज की जाएगी जिसमें मल्टीपल कंपनीज के लिए टेस्ट भी रखे जाएंगे इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स, ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट, जिससे तुम्हें ये प्रिपरेशन का आइडिया लग जाएगा कि तुम मान लो 1000 students में या 2000 students में कहां पे स्टैंड करते हो, नॉट ओनली इन योर कॉलेज बट थ्रू आउट। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, यू कैन पार्टिसिपेट। अगर तुम एक बिगिनर हो एंड तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें बेसिक कोडिंग आती है एंड यू वांट टू लर्न स्टफ, तो इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ होने वाला है सो दैट यू कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो ये बैक ट्रैक करोगे, तो मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को करने के लिए यू विल नीड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए यू विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड यू विल लर्न दोज कॉन्सेप्ट्स ऑन द वे। तो ये हो गया कि हम जैसे जैसे सीखते हैं वैसे वैसे किसी काम को करते हैं। तो अगर बिगिनर हो देन ऑल्सो यू कैन डू इट। अगर तुमने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया, यू आर वेल प्रिपेयर, तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं एंड नाउ इट्स अ टाइम टू रिवाइज, तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। एंड थर्ड चीज, अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड कंपनी स्विच करना चाहते हो, तुम्हारे लिए कॉन्स्टेंट मोटिवेशन चाहिए, तो दिस ईयर कैन बी द वन जहां पे तुम एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन को एंड यू कैन अप्लाई फॉर कंपनीज आउट देयर। इसको करने का फायदा ये कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी बन जाएगी एंड 30 दिनों के बाद भी इट इज नॉट दैट यू विल स्टॉप डूइंग, तुम्हारे क्वेश्चंस की कंसिस्टेंसी जारी रहेगी एंड यू विल बिकम अ प्रो एट व्हाट यू आर लर्निंग। तो जल्दी से जाके चैलेंज स्टार्ट करो। यू कैन पुट इन योर फोटोग्राफ और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन पुट इट अक्रॉस। अगर तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करोगे, बीट लिंक्डइन, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, यू कैन टैग मी, आई विल रीशेयर योर पोस्ट, आई विल कमेंट ऑन योर पोस्ट टू मोटिवेट यू, मेक श्योर यू डू इट राइट अवे। दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैलेंज। आई होप यू पीपल आर मोटिवेटेड एनफ फॉर स्टार्टिंग योर न्यू ईयर विद अ बैंग एंड आई विल मेक श्योर दैट योर करियर रेजोल्यूशंस आर मेट दिस ईयर। विशिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द चैलेंज एंड सी यू सून।